गुड इवनिंग टू ऑल। कल हमने बात की थी मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में। आज हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में कि मोहम्मद गौरी के बाद उसने अपना सब कुछ अपने गुलाम के नाम कर दिया था, अपने स्लेव्स के नाम कर दिया था। उसका कोई खुद का बेटा नहीं था। तो उसके बाद जो सबसे पहले था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं और साथ में इसको इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये तुर्क थे, मतलब मोहम्मद गौरी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था, तुर्क था। तो स्लेव डायनेस्टी जो थी 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने इंडिया में राज किया था, मतलब कुछ एरिया में मेन इन्होंने नॉर्थ इंडिया में राज किया था। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हद तक इनके पास एरिया थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, 1206 से लेकर 1210 तक इसने सुल्तान बना था ये। तो स्लेव डायनेस्टी में कुल 11 राजा हुए थे, 11 सुल्तान हुए थे। सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर आरम शाह आया, शमशुद्दीन इल्तुतमिस, रुकनुद्दीन फिरोज, रज़िया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, कैकीबाद एंड द शमशुद्दीन क्यूमर्स। जो शमशुद्दीन क्यूमर्स आई सबसे आखिरी सुल्तान था। हम बात करेंगे सिर्फ पांच की जिनके बारे जिनको मैंने रेड किया हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक है, आराम शाह है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं है। फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिस है, रज़िया और गयासुद्दीन बलबन की हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इन चार से पूछे जाते हैं। अब इनको अगर याद करने का तरीका है, उसके एक शॉर्टकट है, करो आराम इतना कि रुई की रजाई में बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों। इसको अपनी लाइन को याद करना है। करो मतलब करो से आपने किया है कुतुबुद्दीन ऐबक, क से करो, क से कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम में क्या आएगा, आराम शाह, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था, आराम शाह आया था। इतना, इतना मतलब इल्तुतमिश। उसके बाद रुई, रुई में क्या आ गया, रुकनुद्दीन फिरोज। फिर रजाई, रजाई में क्या होगा, रजिया सुल्तान। उसके बाद आप बाहर, बाहर से बहरम शाह। उसके बाद आलम, आलम में कौन आएगा, अलाउद्दीन मसूद। फिर नादे, नादे में कौन आएगा, नशीरुद्दीन महमूद। गया में आएगा गयासुद्दीन बलबन। और कब में आएगा, कैकीबाद। और क्यों में आएगा, शमशुद्दीन क्यूमर्स, क्योंकि क्यूमर्स क्या था, इसका आखिरी था सुल्तान था जो 1290 तक रहा था, मतलब 1290 एक साल के लिए इसने राज किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसको बोलते हैं फाउंडर ऑफ तुर्किश किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। गौरी के बाद इसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी और इसी को फाउंडर बोला जाता है तुर्किश किंगडम का। जब इसको उस दिया था गौरी ने, मतलब इसको पूरा एरिया दिया था, तो इसने अपने आपको सिपे सलाहकार अंडर मोहम्मद गौरी, और उसका स्लेव था ये, उसको सिपे सलाहकार बोला जाता था। उसने गौरी ने इसको मालिक की उपाधि दी थी। ही वॉज बोर्न टू तुर्किश फैमिली, मतलब इसका जन्म हुआ था तुर्किश फैमिली में, सेंट्रल एशिया में हुआ था। फिर इसको बेच दिया था, मतलब क्या होता था, जैसे जो बड़े बड़े सुल्तान होते थे तो वो दासों पे ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने गुलाम होते थे उन पे ज़्यादा विश्वास करते थे। और ये ट्रेडिशन था वहाँ पे, मतलब जैसे मतलब कोई भी अच्छा लड़का जैसे वो पढ़ाते थे और उसको बेच देते थे, तो इसके साथ भी वही हुआ था। इसको बेच दिया था, इसको बाद में मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था और फिर ये मोहम्मद गौरी का गुलाम बन गया था। उसके बाद गौरी के दासों में जो मेन थे वो गयासुद्दीन महमूद था, यलदोज था, कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे, जिसमें सबसे प्रमुख तो कौन था अपना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। गौरी ने ऐबक को मालिक की उपाधि दी थी पर उसे सभी सरदारों का प्रमुख बनाने का निर्णय नहीं लिया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बाकी सब इससे ईर्ष्या करते थे, जलते थे इससे, तो इसने सिर्फ इसको मालिक की उपाधि दी थी गौरी ने। तो ये जो तुर्किश था, ये ऐबक ट्राइब था, ऐबक ट्राइब थी वहाँ पे, वहीं से इसका था। इसने लाहौर से रूल किया था। उसके बाद इसने दो मॉस्क बनाए थे, एक तो था कुव्वतुल इस्लाम जो दिल्ली में बनाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया था अजमेर में। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था इसने, वहाँ पे एक संस्कृत स्कूल था उसको तोड़ के उसकी जगह पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुतुब मीनार इसने स्टार्ट किया था, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था इल्तुतमिस ने। उसके बाद इसका कुछ हिस्सा तूफान में टूट गया था, उसको रिपेयर करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। देन इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। लाख बख्श मतलब जो लाखों देता है, मतलब ये दानवीर था जिस लाइक कि मतलब ये बहुत दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। जब मैंने आप पिछली वीडियो हमने बात की थी कि मोहम्मद गौरी जब गुजरात पे अटैक किया था तो वहाँ पे हार गया था, बुरी तरह से हार गया था भीमादेव टू से, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की लड़ाई, किंगडम ऑफ गुजरात को हरा दिया था, मतलब वहाँ पर उसने उसको कैप्चर कर लिया था। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था किसके नाम पे, सूफी सैन थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसने उसका नाम रखा था। ये 1210 में इसकी डेथ हो गई थी। और ये डेथ कैसे हुई थी, ही वॉज प्लेइंग चोगन, पोलो खेल रहा था
घोड़े से गिर गया था, उसके चोट लगने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। इसका जो कुल टेन्योर था, मतलब इसने जो कुल राज किया था, 4 साल काम किया था। और इसका जो मकबरा है, इसका टोम है अनारकली बाजार लाहौर में। पूछ लेते हैं इसका टोम कहाँ पे, तो वो कहाँ पे, लाहौर में है। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, उसके सन, जो उसका सन का नाम था आरम शाह, ये 1210 से 1211 इसने राज किया था। आरम शाह ने राज शुरू किया था, लेकिन आरम शाह को मार दिया था उसके सन इन लॉ ने, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो आगे जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम इल्तुतमिश की बात करेंगे। ये जो हमने डिस्कस किया है इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर्ड हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी रखे हैं जो हो जाते हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का यहीं से है। कल हमारी जो वीडियो बनेगी वो बनेगी रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश पे, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।